हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सूर्या है। आज मैं बात करूंगा सुल्तान मूवी के कलेक्शन के बारे में। जी हाँ, इसके पहले भी हमने सुल्तान मूवी के कलेक्शन के बारे में कई बार बात की है, क्योंकि सुल्तान मूवी ने कई सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए। तो फिलहाल 12 दिन के अंदर सुल्तान ने क्या रिकॉर्ड ब्रेक किया उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सुल्तान ने 12 दिन के अंदर 500 करोड़ तक का बिजनेस किया है। जी हाँ, वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 500 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर लिया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा कुछ जो फिल्में हैं जिन्होंने 500 के ऊपर का टोटल किया है उनके बारे में मैं बात करूंगा। उसके अलावा सुल्तान कितनी पीछे है उन फिल्मों से उसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल सबसे पहले ये मैं बताना चाहता हूं कि जो फिल्म आई थी आमिर खान की धूम थ्री ने इसके पहले जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का जो रिकॉर्ड अपना कायम किया है वो है 542 करोड़। तो अगर सुल्तान इसी तरह से चलती रही तो 542 करोड़ आराम से तोड़ देगी महज कुछ दिनों में। उसके अलावा जो फिल्म है जो 500 करोड़ के ऊपर का बिजनेस किया है वो है बाहुबली। बाहुबली ने वर्ल्ड ओवर में 600 करोड़ का बिजनेस किया है, जो जहां तक पहुंच सकती है सुल्तान आराम से। उसके अलावा सलमान खान की खुद की फिल्म जो है बजरंगी भाईजान पिछले साल रिलीज हुई थी, बजरंगी भाईजान इतनी चली थी कि वर्ल्ड ओवर उस फिल्म ने 626 करोड़ का बिजनेस किया था। तो ये तीन फिल्मों की बात हो गई। उसके अलावा जो चौथी फिल्म जो सबसे हाईएस्ट है, सबसे टॉप पे है, वो 792 करोड़ 792 करोड़ के साथ है पीके। जी हाँ, पीके का रिकॉर्ड ये बिल्कुल नहीं तोड़ पाएगी सुल्तान, लेकिन जहां तक लग रहा है ये जो धूम थ्री है इसका रिकॉर्ड जरूर तोड़ सकती है। बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ सकती है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का, यहाँ तक कि बजरंगी भाईजान का जो वर्ल्ड वाइड टोटल का रिकॉर्ड है 626 करोड़ का वो भी सुल्तान तोड़ सकती है, क्योंकि सुल्तान काफी अच्छे से जा रही है सिनेमा घरों में। अभी भी लोग देख रहे हैं, 6 जुलाई को फिल्म ईद पर रिलीज हुई थी, तब से लेके इसकी कलेक्शंस काफी अच्छी रही है। अभी तक कलेक्शन काफी अच्छी रही, लेकिन आने वाला वीक थोड़ा सा डामाडोल हो सकता है, क्योंकि आने वाले वीक में दो बड़ी फिल्में रिलीज हो रही है। बड़ी तो नहीं कहूंगा, एक मदारी फिल्म रिलीज हो रही है इरफान खान की, जिसकी स्टोरी काफी अच्छी है, तो लोग उसकी ओर जा सकते हैं। वहीं थलाइवा रजनीकांत की फिल्म रिलीज हो रही है 22 जुलाई को, जो एक कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर देगी सुल्तान मूवी के कलेक्शन को। तो ये देखने वाली बात होगी कि सुल्तान क्या अपनी ही बजरंगी भाईजान का वर्ल्ड वाइड टोटल का रिकॉर्ड क्या तोड़ेगी, धूम थ्री का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ सकती है, या बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जहां तक मुझे लग रहा है कि ये बड़ी फिल्में जो तीन है, बाहुबली और धूम थ्री और उसके अलावा बजेंगी भाईजान, ये तीन फिल्म का रिकॉर्ड आराम से तोड़ सकती है, और कहीं ना कहीं 650 करोड़ या उसके ऊपर तक का बिजनेस ये जरूर करेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो बजेंगी भाईजान का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी, और मुझे जहां तक लग रहा है सुल्तान ओवरऑल कलेक्शन के मामले में दूसरे नंबर पे जा सकती है आने वाले दिनों में। आपको क्या लगता है सुल्तान किस तरह से कमाल कर रही है, और आपको क्या लगता है क्या ये वहां तक पहुंच पाएगी कि नहीं, और अपनी अपने टाइम की मतलब अभी तक की सबसे बड़ी फिल्म या सबसे बड़ी फिल्म में जो शुमार हो पाएगी नहीं, आप जरूर बताइए मुझे। फिलहाल के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूं, कुछ और बातें पता चलेगी तो आपको जरूर बताऊंगा। चलिए, बाय।